जय हिंद दोस्तों, चलते चलते के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत जल्द कई रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी का भी बयान आया है कि मार्च महीने में कई रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके संबंध में फाइनल डिसीजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी द्वारा लिया जाएगा। उम्मीद है कि जो भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जो भी थोड़ी बहुत पाबंदियां हैं, वो भी बहुत जल्द हटा दी जाएगी पूरे महाराष्ट्र स्टेट से। अगर मैं लोकल ट्रेन के संबंध में बात करूं तो लोकल ट्रेन में जो अनवैक्सीनेटेड सिटीजन्स यानी वो नागरिक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं, उनको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। इसके संबंध में एक PIL फाइल की गई है टीम अवेकन इंडिया मूवमेंट द्वारा, और कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। बहुत जल्द ये आदेश आने की संभावना है कि लोकल ट्रेन में सभी लोगों को ट्रैवल करने की परमिशन हो जाएगी, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो या अनवैक्सीनेटेड हो। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो मैं उसकी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात चल रही है कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में जो भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदियाँ हैं, उसे भी हटाने की बात चल रही है। ये इसलिए ऐसी बातें चल रही है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र स्टेट की, और अगर मैं मुंबई की बात करूं, मीरा भाईंदर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं कोरोना सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। मीरा भाईंदर में सिंगल डिजिट में पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, मुंबई में 100 के आसपास ही पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कम संख्या में पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, पूरे भारत देश में। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं जिस रोड से गुजर रहा हूँ वहाँ आप देख सकते हो कि मेट्रो का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है मीरा भाईंदर का। राइट में आप देख सकते हो मेरे कि एक करोड़ों की मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है मीरा भाईंदर के मेट्रो के काम के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2023 तक मीरा भाईंदर में मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा और लोग मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं कोरोना की सिचुएशन की बात कर रहा था। पूरे महाराष्ट्र स्टेट में, भारत देश में कोरोना की सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ गई है, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये संभावना है कि मार्च महीने में बहुत सारे रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि सिचुएशन एकदम नॉर्मल जैसी हो जाएगी मार्च महीने में, अगर इसी तरह कोरोना की सिचुएशन रही तो। ये संभावना है कि आने वाले दिनों में एक नया दिशा निर्देश जारी किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसमें कई छूट देने की संभावना है। जैसे ही वो ऐसा कोई ऑर्डर आएगा, ऐसा कोई दिशा निर्देश आएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अंत में मैं आप सबसे ये ज़रूर अपील करूँगा कि सभी COVID-19 के नियम का पालन करते हुए, सभी COVID-19 के प्रिकॉशंस लेते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।